हेलो फ्रेंड्स, आज हम देखेंगे कि इक्लिप्स में जब ग्रैडल प्रोजेक्ट इंपोर्ट करते हैं तो प्रीव्यू एरर आ रहा है, तो वो कैसे सॉल्व करेंगे। जैसे हम ये डाउनलोडेड एक ग्रैडल प्रोजेक्ट है, इसे एक्सट्रैक्ट में पहले कर लेता हूँ और इक्लिप्स में जाकर हम उसे इंपोर्ट करेंगे। फाइल में जाके इंपोर्ट इंपोर्ट में एग्जिस्टिंग ग्रेडल प्रोजेक्ट, नेक्स्ट, यहाँ पे नेक्स्ट, और प्रोजेक्ट डायरेक्टरी जहाँ पर हमने डाउनलोड किया है वो हम डाउनलोड में प्रोग्राम्स और फिर फोल्डर जावा बेसिक ग्रेडल मास्टर। तो ये रूट डायरेक्टरी हो गई, तो हमने ये फोल्डर सेलेक्ट कर लिया। अब यहाँ से हम करेंगे नेक्स्ट, प्रोजेक्ट रूट डायरेक्टरी सेलेक्ट हो गई, हम करेंगे नेक्स्ट। तो यहाँ पर ओवरराइड हम इस बार नहीं करेंगे, हम आगे में बढ़ेंगे नेक्स्ट करके। तो यहाँ पर देखिए ये प्रीव्यू फेल्ड हो गया और ये एरर आया है। तो इसमें एरर क्या है कि कनेक्शन टू ग्रेडल डिस्ट्रीब्यूशन कुड नॉट फेस द मॉडल ऑफ टाइप ग्रेडल बिल्ड। तो ये एरर है, तो हम इस एरर को कैसे सॉल्व करें। तो पहले तो ऑप्शन है कि बैक जाकर हम इंपोर्ट का जो ये कॉन्फ़िगरेशन है वो हम चेंज करके देखते हैं कि प्रॉब्लम सॉल्व होता है क्या। तो ओवरराइड करने से पहले हम पहले देखते हैं कि ग्रेडल का कौन सा वर्जन यूज़ हुआ है। तो हम देख रहे हैं कि 5.6.2 यूज़ हुआ है। बैक जाएंगे, ओवरराइड करेंगे सेटिंग, स्पेसिफाई ग्रेडल वर्जन 5.6.2, 5.6.2, और यूज़र होम, ग्रेडल यूज़र होम ब्राउज करके हम देखेंगे कि यहाँ पे रैपर डिस्ट्रीब्यूशन के इतने वर्जन है ग्रेडल के। हम ये बीन का फोल्डर एक बार वो भी चेक करेंगे, पहले तो उसमें ग्रेडल वर्जन के बीन फोल्डर को सिलेक्ट करते हैं। सिलेक्ट फोल्डर करेंगे और यहाँ पे जावा होम डायरेक्टरी वापस सिलेक्ट है JDK की। नेक्स्ट किया तो फिर से प्रीव्यू फेल हो गया। बैक जाएंगे हम, अभी जो फोल्डर है ग्रेडल का बीन नाम का वो सिलेक्ट करते हैं। नेक्स्ट, यहाँ पर जैसे हमें यहाँ पर अलाउ एक्सेस करना है, अलाउ कर देंगे परमिशन। और देखिए यहाँ पर भी एरर आ गया। तो यहाँ पे हम फिर से बैक जाकर नेक्स्ट करते हैं कि अलाउ के वजह से तो कुछ प्रॉब्लम नहीं हुआ था, तो इसलिए हम फिर से बैक जाकर नेक्स्ट किए तो एरर तो अभी भी है 5.6.2 लेने पर भी। तो हम इसे सॉल्व करने के लिए यहाँ पर पहले फिनिश करके वर्कस्पेस में इंपोर्ट कर लेंगे। बैक बटन से आपने देख लिया क्या होता है कि ये हम सेटिंग ओवरराइड कर सकते हैं। ग्रेडल रैपर से भी हम एक बार देख लेते हैं कि क्या होता है। नेक्स्ट करें तो फिर भी प्रीव्यू फेल्ड ही आ रहा है, सेम एरर। हम अभी फिनिश करके वर्कस्पेस में प्रोजेक्ट इंपोर्ट कर लेते हैं। तो यहाँ पर ये प्रोजेक्ट तो इंपोर्ट हो गया, लेकिन यहाँ पर एरर आ रहा है, ये आप देख सकते हैं। तो यहाँ पे हम देखेंगे कि ग्रेडल और SRC फोल्डर बन गया है, और यहाँ पे SRC ग्रेडल में हम जाएंगे ग्रेडल रैपर प्रॉपर्टीज में। यहाँ पर हम देख रहे हैं कि 5.6.2 वर्जन है ग्रेडल का, तो यहाँ पे हम चेंज करेंगे इस वर्जन को। तो हम पहले देखेंगे कि हमारे इक्लिप्स में कौन सा वर्जन है, PC में कौन सा ग्रेडल वर्जन इंस्टॉल है इक्लिप्स के साथ। तो ग्रेडल हम सर्च करके ग्रेडल,
यहाँ पर हम ग्रेडल वर्जन देखेंगे कि कौन सा ग्रेडल वर्जन आप यहाँ पे इंस्टॉल है। तो ये लेटेस्ट में से हम कौन सा भी ले सकते हैं, 7.6.1 हम सेलेक्ट करते हैं यहाँ पे 7.6.1, मतलब यहाँ पर हम मैनुअली लिख कर देख रहे हैं। और एक मेथड है, वो भी मैं इसके बाद बताता हूँ। तो यहाँ पर हमने ये फाइल सेव कर ली और हमने यहाँ पर गए ग्रेडल पे और रिफ्रेश ग्रेडल प्रोजेक्ट, इससे देखिए ये एरर साइन हट गया, रेड जो एरर साइन है वो हट गया। और यहाँ पर हम अभी अगर रन करना चाहे तो जावा एप्लीकेशन नहीं आ रहा है, तो हम क्या करेंगे कि फिर से ये प्रोजेक्ट इंपोर्ट करेंगे, जिस दिन ग्रेडल प्रोजेक्ट फिर से इंपोर्ट करेंगे। यहाँ पर नेक्स्ट, यहाँ पर हम देखेंगे कि वही प्रोजेक्ट है, ओवरराइड नहीं करेंगे कोई सेटिंग और इंपोर्ट के लिए ये स्टार्ट हो गया है। थोड़ा टाइम लगेगा, मैंने फास्ट फॉरवर्ड किया है वीडियो, तो ये हमें जल्दी दिखा देगा। तो यहाँ पर ये जावा बेसिक ग्रेडल इंपोर्ट हो गया। फिनिश करके हम वर्कस्पेस में प्रोजेक्ट इंपोर्ट करके हम विंडो में आ जाएंगे। यहाँ पर देखिए कि जावा बेसिक ग्रेडल JRE लाइब्रेरी के साथ इंपोर्ट हो गया है, और यहाँ पर पैकेज ऐप में जावा एप्लीकेशन ये फाइल भी आ गई है। अभी हम यहाँ पर अगर इसे रन करना चाहे तो ये रन हो जाएगा। जैसे यहाँ पर डिबग हैश में जाकर देख लीजिए जावा एप्लीकेशन, यहाँ पर भी अलाउ कर दीजिए, अलाउ एक्सेस। तो यहाँ पर ये प्रोजेक्ट रन हो गया। यहाँ पर आपने देखा कि कौन सा वर्जन इंस्टॉल है। और एक तरीका है कि आप न्यू ग्रेडल प्रोजेक्ट क्रिएट करिए और यहाँ पे आप देखिए कि कौन सा वर्जन यहाँ पे बनता है। पर हमने नेक्स्ट किया, प्रोजेक्ट का नेम डाला, ग्रेडल प्रोजेक्ट और फिनिश। यहाँ पर कोई सेटिंग हम चेंज नहीं करेंगे, नेक्स्ट करेंगे। तो यहाँ पर प्रोजेक्ट तैयार हो रहा है और यहाँ पर सक्सेसफुली प्रोजेक्ट प्रीव्यू दिखा दिया, और हम फिनिश के बटन दबाकर अभी प्रोजेक्ट विंडो ओपन कर रहे हैं। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि ये ग्रेडल प्रोजेक्ट जो अभी क्रिएट किया वो ओपन हो गया है। ग्रेडल रैपर और ग्रेडल रैपर प्रॉपर्टीज में हम जाकर देखेंगे कि इसका वर्जन कौन सा है। तो यहाँ पर आप ये पूरी लिंक ऐसे कॉपी करके जिस प्रोजेक्ट में एरर आ रहा था वहाँ पर जाके सेम फाइल में वहाँ पर रिप्लेस कर सकते हैं, तो इससे भी आपका एरर सॉल्व हो जाएगा। तो तरीका है कि आप प्रेफरेंसेस में जाइए, और दूसरा तरीका है कि आप एक प्रोजेक्ट क्रिएट करके वहाँ का जो सेटिंग है, जो डिस्ट्रीब्यूशन वर्जन है ग्रेडल का, वो यहाँ पर यूज़ करिए। अभी जैसे ये हो गया, तो यहाँ पर आप इसको भी रन करके देख, ये सैंपल जावा एप्लीकेशन प्रिंट होकर आ गया, तो ये यहाँ पर भी रन हो जाता है। Please like, subscribe and share Tech and GK channel.